आप जैसा प्लेयर जो माशाल्लाह टेप बॉल का किंग है, वो इस टाइम कितना कमा रहा? वैसे काफी इन्वॉल्व हो गए हैं टेबल में अभी 6-7 साल से ना, जब से सोशल मीडिया इन्वॉल्व हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 40-50 लाख रुपया जो है ना अर्न कर लेता है। जो इंटरनेशनल हार्ड बॉल का प्लेयर है वो टेप बॉल जो टेपिया है उनको लाइट लेता है। क्या तैमूर मिर्जा जो जंग के मैदान में छक्के मार रहा है, क्या वो लंदन लॉर्ड्स के मैदान में भी छक्के मारेगा? नादर भाई, टेप बॉल बहुत मुश्किल है हार्ड बॉल मेरे ख्याल में। अच्छा, बहुत मुश्किल है, इसमें पेस भी ज्यादा आता है, वेरिएशन करते हैं बॉलर। जो टेप बॉल बंदा खेल लेता है ना, मेरे ख्याल में वो सारे प्रेशर हैंडल कर चुका होता है। ये बैट आप कौन सा खास तौर पे यूज करते हैं, कोई खसूसी बैट है या कोई फाइबर का बल्ला है? नहीं, ये श्रीलंकन लकड़ी होती है। पाकिस्तान में जितने प्लेयर खेल रहे हैं ना, उसी वुड से खेल रहे हैं, कोई स्पेशल बैट नहीं है, फाइबर तो लो ही नहीं है टेप बॉल में। कहाँ कहाँ मुल्क से बाहर खेलने के लिए? युगांडा गया था खेलने, उसके बाद दुबई, तो काफी इवेंट होते हैं टेप बॉल के, उधर खेलने गए हुए हैं। वाह यार, युगांडा में मैं समझता हूँ आप तो खूबसूरत घूम रहे होंगे वहाँ पे। सबसे खूबसूरत आप होंगे। युगांडा में तो काले पीले, सारे काले पीले होते हैं, ऊंट इतने बड़े बड़े चुमी ले बच्चा पड़ जाए। एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है कि तैमूर मिर्जा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया जाए, 6 महीने कैंप में रखा जाए और हार्ड हिटर के तौर पे यूज़ किया जाए। इंटरटेन चाहती है वहाँ कि छक्के चौके चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मशहूरी छक्के चौकों की वजह से हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तो इतना डिफरेंस नहीं है हार्ड बॉल टेप बॉल में, जितने भी लड़के खेल रहे हैं हमें चांस मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन और हज़रात, मैं हूँ नाज़िर अली। टेप बॉल के मैदान में शेरों की तरह धाड़ा है, हर बॉल पे 6-6 छक्के मार रहा है। अबे किसी बॉल पे तो गिर जा। कैसे हो तैमूर मिर्जा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मैं समझता हूँ डांसर के बाद अगर किसी पे नोट लुटाया जाता है तो वो टेपिया क्रिकेट प्लेयर है। सही बात है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। 6 बॉलों पे 7 छक्के मारने वाला प्लेयर, अगर कोई बॉल लॉब हो जाए तो भी छक्का, तो भी छक्का है, छक्का 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 ना कंफर्म, 8-8 छक्के बिल्कुल मतलब है। और बंदा जब छक्के मारता है, मैंने आपको अक्सर देखा है कि लोग आके 5,000, 1,000, 500 जितने जेबों में लोगों के पास पैसे, घड़ियां, पता नहीं क्या क्या तोहफे दे जाते हैं। 150 भी देते हैं। तो उसका बताएं कि इतने नोट मिलते हैं, क्या होता है, बताएं ना इसके बारे में। होता यही है नादर भाई, जब आप अच्छा खेल रहे होते हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके जो चाहने वाले होते हैं वो आपके पास आते हैं, जो हसबे तफीक उनके पास होता है वो आपको देते हैं आके। उनकी चाहत ही है, पैसों को कौन देखता है, बस उनकी चाहत होती है जो आके आपको देते हैं। नहीं, पैसों को ये तो खैर आवाज भी कर रहे हैं, तो बाद में देख लिया ना, फकीर से लेके बादशाह सबकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा है सही, लेकिन दुनिया में फसाद ही पैसे पे, पैसे के साथ उनकी चाहत भी तो होती है ना। चाहत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जैसा प्लेयर जो माशाल्लाह टेप बॉल का किंग है, वो इस टाइम कितना कमा रहा है? पैसे काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं टेबल में अभी 6-7 साल से ना, जब से सोशल मीडिया इन्वॉल्व हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो टेबल खेलने वाला बंदा है मेरे ख्याल में वो 40-50 लाख रुपया जो है ना एक साल का अर्न कर लेता है। अच्छा, हाँ 40-50 में सुनते हुए ना मैं यूं होता जा रहा, और फिर एक साल बोला तो थोड़ा सा यूं हो, मैंने कहा कहीं ये ना बोले, एक मंथ का नहीं है, एक साल का या एक मैच का? नहीं, एक साल का। लेकिन तैमूर मिर्जा के लिए तो मैं समझता हूँ कि 40-50 लाख एक महीने में निकालना कोई बड़ी बात नहीं। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात यार, ये MPR से ना बचो तैमूर, बता दो आज। नहीं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, इतने ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया है। नहीं नहीं, आप लोगों का बनता है। अच्छा, एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है तैमूर सोशल मीडिया पे, मैंने मेरी नजरों के सामने से बहुत दफा गुजरी है, कि तैमूर मिर्जा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया जाए, 6 महीने कैंप में रखा जाए और हार्ड हिटर के तौर पे यूज किया जाए। बिल्कुल, वो नजरों से गुजरी है आपके? हाँ हाँ, मैंने काफी, मुझे बहुत ज्यादा दोस्त हैं वो भी सेंड कर रहे हैं कि ये पोस्ट देखो यार। हाँ, तो उसके बारे में क्या है, लबकुशाई की जाए ना? वो यही है कि यार देखें नादर भाई, आप भी समझते हैं क्रिकेट को, आपने भी खेली होगी माशाल्लाह, तो इंटरटेन चाहती है वहाँ कि छक्के चौके चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मशहूरी छक्के चौकों की वजह से हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तो इतना डिफरेंस नहीं है हार्ड बॉल टेप बॉल में, जितने भी लड़के खेल रहे हैं तो हमें चांस मिलना चाहिए। अच्छा, आप ये आज कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हमें चांस मिलना और चाहिए, और अगर चांस मिल गया तो आप प्रूफ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह फॉर पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन एक बात बताएं यार, कितने बड़े बड़े हार्ड हिटर आए? बिल्कुल, जैसे लाइक मैं नाम ले लेता हूँ शादिब हसन, उनको डोमेस्टिक में देखें या कायदे आजम ट्रॉफी में देखें, छक्के पे छक्का मार रहे हैं, स्टेडियम से बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन ये लोग इंटरनेशनल मैचों में नहीं चल पाते। क्या मतलब प्रेशर है
या वहाँ का एक एनवायरनमेंट समझ नहीं आता, या वहाँ अपने कलर्स नहीं दिखा पाते? क्या तैमूर मिर्जा जो झंग के मैदान में छक्के मार रहा है, क्या वो लंदन लॉर्ड्स के मैदान में भी छक्के मारेगा? नादर भाई, टेप बॉल बहुत मुश्किल है, हार्ड बॉल मेरे ख्याल में अच्छा बहुत मुश्किल है, इसमें पेस भी ज्यादा आता है, वेरिएशन करते हैं बॉलर, तो जो टेप बॉल बंदा खेल लेता है ना, मेरे ख्याल में वो सारे प्रेशर हैंडल कर चुका होता है कि टेप बॉल में इतना ज्यादा प्रेशर होता है। शॉर्ट क्रिकेट होती है, आपको 4-5-6 ओवरों में बहुत ज्यादा करना पड़ता है, 8-10 छक्के आपको मारने पड़ते हैं, हार्ड बॉल में तो काफी टाइम आपके पास होता है जी। लेकिन मेरे ख्याल में जो डर होता है ना प्लेयर के अंदर, जो टेप बॉल खेल लेता है उसके अंदर से ये डर वगैरह निकल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बड़े ज्यादा प्रेशर जो जितने भी देखे हैं वो हमने हैंडल किए हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं है कि तैमूर के जो इंटरनेशनल हार्ड बॉल का प्लेयर है वो टेप बॉल जो टेपिया है उनको लाइट लेता है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल में तो मुश्किल लेता है उसको, टेपिया जो होता है उसको। अच्छा हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बोलते हैं कि यार ये तो नहीं, असल गेम तो एक लेबल लग जाता है ना कि यार टेपिया। मेरे ख्याल में तो जो टेप बॉल खेल लेता है वही कामयाब बंदा है, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, आपको प्रैक्टिस ही मेरे ख्याल में टेबल से करनी चाहिए। अच्छा। जो पीएस का इशू आता है ये अक्सर हम देखेंगे हमारी टीम के काफी प्लेयर जो शार्ट पिच खेली नहीं जाती, तो टेबल जब जो बंदा खेल लेता है ना वो उसको शार्ट पिच वगैरह ये पेस वगैरह मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए बुनियाद तो जो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनकी टेप बॉल से होती है। बिल्कुल, जाहिर है गली क्रिकेट है, बिल्कुल वहां पे खेलते हैं तो टेप बॉल से खेला जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक गली क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा एक चीज समझ नहीं आती कि जब बैटिंग जो टीम होती है अंपायर उसका क्यों लगता है, ये बात आई अजीबोगरीब है यार। वो तो यार गलत डिसीजन देगा, अगर मिसाल के तौर पे उसको बॉलर ने आउट किया हुआ है तो वो तो गुस्से में खड़ा हुआ है, वो उस बॉलर को कैसे इंसाफ देगा यार। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, सही बोल रहे हैं आप, है ना। टेप बॉल की अजीब अजीब, फिर उसके बाद अंपायर को कैप पकड़ा देते हैं, ये घड़ी भी पकड़ो, शर्ट भी पकड़ो, मेरे दो गुटके भी पकड़ो, ठीक है, और उसके बाद कि किसी ने अपनी निक्कर पहना पकड़ा दी, तो वो सारे वो अंपायर भी होता है और वैनिटी बॉक्स भी होता है, सारी चीजें पकड़ा हुआ होता है, उंगली भी नहीं उठा पाता वो। सही बात, ठीक है ना, ये चीज है। हाँ, ये चीज है, लेकिन अभी बहुत डिफरेंट हो गया नादर भाई, टेबल माशाल्लाह बहुत ऊपर चले गए। नहीं नहीं, 100% देखे ऊपर चली गई आज। ये सामने जीती जागती मिसाल है कि आज हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं और टेप बॉल को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेप बॉल का किंग तैमूर मिर्जा, अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई का की गॉड सुल्तान मिर्जा, आप तैमूर मिर्जा। लेकिन मिर्जा नाम के बंदे जो होते हैं ना, ये होते बड़ी सीटों पे, ये मैंने देखा है। सही बात, ये चीज है आप लोगों के अंदर के मतलब है ऊपर ऊपर है, अल्लाह ताला की देन है जी, हमारा क्या कमाल है, क्या ख्याल है। सही बात है। तो आपने ये आज बात कह दी कि अगर पाकिस्तानी टीम पीसीबी आपको मतलब है आपको कॉल करता है तो आप अवेलेबल? नादर भाई, पाकिस्तानी टीम में जो 6-7 करंट प्लेयर खेल रहे हैं वो भी टेबल के यही खेल के गए हुए हैं, मसलन हारिस रऊफ है माशाल्लाह, अभी जो हमारा सबसे स्पीड स्टार बन रहा है, ये टेप बॉल खेलता रहा। अच्छा। 3-4 साल मेरे साथ खेल रहा है ये। आसफ अली जो है ये टेप बॉल खेलता है, अभी भी प्रैक्टिस टेप बॉल से करता है। हैदर अली। अच्छा। माशाल्लाह अभी जो करंट है हसन अली हो गया, फहीम अशरफ हो गया, ये 6-7 बंदे ऐसे हैं जो मेरे हसन साथ। अली का नाम ना लो यार। नहीं यार, ऐसा हसन अली, हसन अली का बेचारे के, लेकिन मैं मौजूद कवती हजरात में यहाँ बोलूंगा, उस बंदे ने जो खिदमात दी है, जो सर्विसेज दी है पाकिस्तानी टीम के लिए, उसको 0 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने सिर्फ ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। सही बात है यार, हर किसी के लिए ये ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं की जाती। एक बंदा तो कब्र में चला गया है, किसी और का ख्याल रखे, ये मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से मौतबाना रिक्वेस्ट है कि इतनी ज्यादा ट्रोल ना करें कि बंदा डिप्रेशन में चला जाए। हसन अली हमारे पाकिस्तानी टीम का एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज दी हैं, उसको ना भूला जाए। एक कैच है जो ड्रॉप हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको हमने मुद्दा बना के उसके साथ बहुत हसन छोटे भाइयों की तरह माशाल्लाह वो फाइटर बंदा है, इंशाल्लाह वो कमबैक करेगा, कमबैक करेगा। और अगर उसने 5 विकेट ले ली ना तो फिर ये आवाम देखे अच्छी बात, पता है कब है, आप अपने प्लेयर को तब बैक ना करो जब उसने परफॉर्म किया, आप अपने प्लेयर को तब बैक करो जब उसने परफॉर्म नहीं किया। बुरे वक्त में पता चलता है, बुरा वक्त एक साफ आईना होता है, जब वो आप पे आता है ना आपको सब कुछ क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है। आज अभी अगर बाबर आजम नहीं चल पाया एशिया कप में तो यार बाबर आजम, मैंने ऐसी ऐसी पोस्टें देखी बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, अबे क्यों? सही बात है, क्यों नहीं, जो हक की बात है सच, मतलब आप
अगर मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाबर आजम पूरा साल परफॉर्म ना करे ना, तब भी उसे आप सर पे बिठा के रखे। बिल्कुल सही बात है, उसने इतनी सर्विसेज दी, दो तीन चार मैचों में क्या हो जाता है यार, ऐसा नहीं होता है, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और बड़ा एक प्रेशर होता है। अच्छा एशिया कप पे ही बात हुई है तो जरा बताएं, आपकी जाहिर क्रिकेट पे बड़ी गहरी नजर है, एशिया कप का जो हम फाइनल हारे हैं, आपके नजदीक क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम हारे? नादिर भाई मेरे ख्याल में जो है ना, सबसे बड़ी जो हारने की हमारी वजह थी वो हमारा डर था कि हम डर डर के खेले हैं जो हमें नहीं खेलना चाहिए था। फाइनल मैच जब स्टार्ट हुआ है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्टार्ट जो है ना वो स्लोली हो गया हमारा ऊपर से। हम सब बोल रहे हैं मिड ऑर्डर, हमें सबसे पहले ऊपर से अटैक करना चाहिए, ऊपर से अटैक करेंगे तो तभी हम जाके 170 चेज कर रहे हैं, 120-125 तो चेज हम नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में वजह हमारी ये थी कि हमें ऊपर से मारना चाहिए और ऊपर से आके खेलना चाहिए, हमारे अंदर जब तक डर नहीं निकलेगा। आप थोड़ा सा इसको खोले ना, बॉल टू बॉल कमेंट्री कर रही है, खुले बड़े प्लॉट में ना खेले। रिजवान की बैटिंग आपके हिसाब से क्या स्लो? मेरे ख्याल में काफी स्लो थी, जब आप 49 बॉलों पे 55 कर रहे हो ना। अच्छा, मेरे ख्याल में T20 में जब आप 7-8 ओवर खेल जाते हो ना, आपके इनिंग में 4-5 छक्के होने चाहिए, अगर वो इन्होंने पहले मारे होते तो हम ये 170 चेज कर जाते। और फखर जमान का जो अपना, उनका तो बैट पे चल रहा है ना, वो उनसे तो हो ही नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा दूसरी बॉल पे आई थिंक वो डंडा उड़ा। हैदर को आपने बिठाया हुआ, इतना टैलेंटेड प्लेयर है, आप उसको चांस दो, उसको खिलाओ, वो दलेर प्लेयर है, मेरे ख्याल में वो टीम के लिए खेलेगा, अपने लिए नहीं खेलेगा। अच्छा, अपने लिए कौन खेल रहा है? अपने लिए जब आप डर के खेलोगे तो फिर अपने लिए खेल रहे हो ना भाई जान, मेरे ख्याल में तो यही आपको नजर आ रहा है। अच्छा, कैचेस विन मैचेस बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस, दो तीन कैचेस भी ड्रॉप हुए, तो कैचेस ड्रॉप भी उनसे हुए हैं, जो माशाल्लाह हमारा सबसे बेस्ट फील्डर है शादाब। हाँ, बैड डे था हमारा, बस जो गुजर गया यार। बाकी ये तो नहीं कह सकते कि शादाब एक अच्छा फील्डर नहीं है, अच्छा प्लेयर नहीं है, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा प्लेयर शादाब ही है। लेकिन आपका मतलब आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि हमने 180 प्लस चेस तो हमारे पास शुरू से ही रहती है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा नीचे भी आएंगे तो वो भी हमारे बंदे जब फंसे हुए हैं तो फिर कैसे चेज करेंगे आगे इतने ज्यादा। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स में से किस किस के साथ दोस्ती है, और सब इज्जत कौन देता है कि यार तैमूर मिर्ज़ा आपके टैलेंट को सलाम है? इज्जत माशाल्लाह सभी देते हैं, हसन से बहुत क्लोज है, हैदर बहुत क्लोज है मेरे। अच्छा। हारिस है, आसिफ अली है, ये चार बंदे जो है ना काफी क्लोज हैं, बहुत क्लोज है। क्या मतलब है? बड़े फ्रेंड हैं, इनके गपशप भी होती रहती है इनके साथ अक्सर। क्लोज से मुराद मतलब ये वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला क्लोज तो नहीं चल रहा? नहीं, मेरे कहना जो टच में है मेरे, ज्यादातर टच में होते हैं कि इनसे गपशप रहती है। इनके पास टच मोबाइल भी है? हाँ, टच मोबाइल भी है, ये भी मैं बता दूं, आप टच मोबाइल से भी रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, आज मैं चाहता हूँ कि सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएं आप, ये जो टेप बॉल के ग्राउंड होते हैं ये क्या छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल ग्राउंड है? हम अक्सर देखते हैं कि यूं उठाया और छक्का और छक्का। हाँ बिल्कुल, बैट का नोक लगा या गया छक्का, तो ये क्या छोटे होते हैं? थोड़े से छोटे होते हैं हार्ड बॉल से, ये छोटे। अच्छा। होते हैं। हाँ, हार्ड बॉल के जो ना मेरे ख्याल में 60-70 होती है इसकी बाउंड्री, हार्ड बॉल की जो होती है T20 में 60 मीटर की होती है, लेकिन इसकी 50 होती है, 50-55 होती है टेप बॉल की, थोड़ी छोटी। अच्छा। होती है, लेकिन बॉल तेज आता है, वो टाइम ही करना होता है आपने, आपके रिफ्लेक्सेस ही, आप टाइम करोगे तो ये छक्का ही है। अच्छा। हाँ, ये असगर अली शाह का जो स्टेडियम है ये इंटरनेशनल साइज पे? हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा। अच्छा। लेकिन पंजाब के और कराची में जो बाउंड्री है ना, यही फर्क है थोड़ा सा, कराची में थोड़ी बड़ी होती है, असगर अली शाह की जो बाउंड्री है थोड़ी बड़ी है पंजाब के अगेंस्ट मेरे ख्याल में। अच्छा, मैंने भी छक्का मार चुका हूँ असगर अली शाह शाह में, असगर अली शाह में मैं। आप ही तो कह रहे थे मैं टेंडुलकर हूँ। टोटल कितने छक्के मार चुके हैं ये तो मुझे याद नहीं, कोई काउंटिंग कोई चीज नहीं, कोई काउंटिंग नहीं है कि यार आज मैं इस मैच में इतने नहीं। असगर अली शाह में 5 मैचों में 50 मार दिए हैं। 5 मैचों में 50? नहीं समझा नहीं, 5 असगर अली। हाँ, अभी 5 मैच हमारे लीग के हुए हैं ना, असगर अली शाह में भी इवेंट चल रहा है ना खेलने आए, उसमें 50 मार दिए छक्के। अच्छा, 50 छक्के 5 मैचों में मार दिए हैं। ओहो, नहीं नहीं बड़ी बात है यार, ये तो 50 छक्के तो
बाकी टॉप स्कोरर में आप तो बॉले घुमाने वाले प्लेयर हैं। हाँ, काफी घूमी है उनकी बॉले हैं। बॉले घूमती है ना? हाँ, काफी घूम गई है। ये बैट आप कौन सा खास तौर पे यूज करते हैं, कोई खसूसी बैट है या कोई फाइबर का बल्ला है या कोई? नहीं नहीं, ये श्रीलंकन लकड़ी होती है, श्रीलंकन वुड जो है ना उधर से ये इम्पोर्ट होती है, पाकिस्तान में लेके आते हैं। वो अभी आजकल वो ही चल रही है पाकिस्तान में, जितने प्लेयर खेल रहे हैं ना उसी वुड से खेल रहे हैं, कोई स्पेशल बैट नहीं है। फाइबर तो लो ही नहीं है टेबल में। अच्छा, वो नहीं अलाउ करते। वजह? उससे बहुत बहुत दूर छक्के जाते हैं भाई, आज भी लगेगा छक्का हो जाएगा। हालांकि इससे भी लग के छक्के होते हैं, लेकिन वो तो वो नहीं यूज़ करने देते। फाइबर से एक दो दफा खेले हम जाके अफ्रीका वगैरह में ना, उधर युगांडा गया हुआ था खेलने के लिए। अच्छा, हाँ ये बताएं ना कहाँ कहाँ मुल्क से बाहर खेलने के लिए? युगांडा गया था खेलने, उसके बाद दुबई, तो काफी इवेंट होते हैं टेप बॉल के, उधर खेलने गए हुए हैं, ओमान गए थे उसके बाद। तो युगांडा में आप, अल्लाह आपका भला करे, ये फाइबर का लेकर थे? हाँ, फाइबर के बैट्स होते थे। इंडियन से बाहर हमारा मैच हुआ था, बड़ा छक्के मारे थे, इंडियन के साथ मैच था हमारा। अच्छा, हाँ तो वो छक्के जीत गए थे? हाँ, हम जीत गए थे फाइनल। वाह यार, युगांडा में मैं समझता हूँ आप तो खूबसूरत घूम रहे होंगे वहाँ पे। सबसे खूबसूरत आप होंगे आप युगांडा में। तो काले पीले, सारे काले पीले होते हैं, ऊंट इतने बड़े बड़े, चुमी ले बच्चा भर जाए। अच्छा, आप बॉलिंग भी करते हैं? बॉलिंग की नहीं, मैं बॉलिंग नहीं करता। बॉलिंग हाथ ही नहीं लगाई आपने? लगाते हैं थोड़ी बहुत बस। स्पिन है फास्ट? फास्ट, मीडियम फास्ट। फास्ट, हाँ बिल्कुल। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है टेप बॉल में? टेप बॉल में काफ़ी प्लेयर फेवरेट है, लेकिन जो मेरा एक था वो हमारे सिटी के ही हैं, शहजाद मन्ना भाई थे वो। शहजाद मुन्ना? मन्ना, मन्ना, मन्ना। हाँ, ये निक नेम था उनका, शहजाद मन्ना। अच्छा, हाँ यार, ये नाम नाम पे आए, ये मन्ना और कालिया, कालिया और चकवाल, तो चकोरी, तो ढोलक और वो भीमर और पता नहीं क्या क्या नाम। मतलब भीमर का तो मैं खुद गवाह हूँ, मेरे सामने रहते थे तो काशिफ भीमर के नाम से, तो उनके बल्ले पे जब छक्का जाता था तो आवाज आती थी भीम, तो भीमर मशहूर हो गए थे। हाँ, ये निक नेम जो है ना मशहूर होते हैं टेबल में ज्यादा, जितने भी प्लेयर हैं उनके निक नेम मशहूर। कोडू, कल्लू, मल्लू, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। लेकिन इस तरीके के होंगे ना यकीनन? होंगे होंगे होंगे, प्लेयरों के होंगे है ना। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, तो बॉलिंग आप नहीं करते? आज तक की सबसे बड़ी प्राइज मनी एक मैच में कितनी रही है, कोई याद पड़ता है? ये चीजें याद तो नहीं, लेकिन काफी लाखों में। हाँ, मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों में। हाँ, लाखों में, मतलब एक मैच का? हाँ, एक मैच का। तो अब आप मुझे ये बताए ना, तो जितने दिख होती उत्तान कलोती तो वही आ गई ना मेरी बात कि बात जब ये है कि माशाल्लाह, अब आप तो इस टाइम सबसे, आपको लगता है कि आप सबसे टॉप पे इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप क्राउन पहनना पसंद करते हैं? हाँ, कि ये मुझे कर्टेसी मिल रही है, सही जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लड़कियां कैसी फैन है आपकी? यार मेरे साथ तो कभी किसी की बात नहीं हुई वैसे। यार ये सच बता रहा हूँ यार, 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 सही बात नहीं करे यार आप लोगों की। मैंने खुद देखा है कि लड़कियां भी फैन है, तैमूर आई लव यू, इस तरीके की वीडियोस आई हुई है। मेरे तक ये आवाज कभी नहीं आई आपकी आवाज यूं नहीं आई, आप पीछे से खेलते हैं ना, आपके कैमरामैन जो है वो आपके पीछे से वीडियो बनाता है। वो फिर कैमरे में बोल रही होंगी है? हाँ, उसी में बोल रही होंगी ना। लेकिन है लड़कियां फैन हो है, मुझे ये आप समझ ले शायद, कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें लड़कियां दीवानी है। बिल्कुल, आप ये देखे ना कि ये इमरान खान से शुरू हुई भी है चीज जो अभी तक चल रही है, शाहिद अफरीदी, माय गॉड शुएब मलिक कितना हैंडसम है, और ये दो तीन बंदे दूसरी कॉम के भी है, राणा नवीद हो गया और इफ्तखार अंजुम हो गया, और वो ये चाचा आजकल जो चल रहा है समझ रही है, ये वो है जिसका लड़कियों का भूत उतार देते हैं प्यार का, इन लोगों को देख लेना लड़कियां तो ये है कुछ। अच्छा तैमूर साहब, मुझे एक बात बताएं, वर्ल्ड कप होते हैं, T20 वर्ल्ड कप है, T10 के अब लीग्स हो रहे हैं, क्या टेप बॉल का भी वर्ल्ड कप वगैरह कोई आप कोई प्लान कर रहे हैं? जी जी, नादिर भाई इंशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, उमर भाई हैं, उमर अच्छा। यूएसए में, तो इंशाल्लाह हमारे पास 7-8 बोर्ड हो गए हैं, उसको हम टेप बॉल का अभी वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। कहाँ? इधर पाकिस्तान में करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। उधर से हम लड़के पाकिस्तानी ही होंगे लेकिन उनके बोर्ड होंगे, अमेरिका का बोर्ड होगा, कनाडा का होगा, उसके बाद यूके का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, यूएई का है, पाकिस्तान का है, तो उनकी टीमें आएंगी, उनकी टीमें आएंगी उधर से खेलने के लिए पाकिस्तान में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको सरप्राइज देंगे कि टेप बॉल का इंशाल्लाह वर्ल्ड कप होना चाहिए मेरे हाँ, हिसाब से, क्योंकि टेप बॉल का ट्रेंड बाहर ममालिकों में भी है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपकी सोच है, मेरे ख्याल में हमारे उतने फैन पाकिस्तान में नहीं है जितने आउट ऑफ कंट्रीज में है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये भी एक देखने लायक टूर्नामेंट होगा, टेप बॉल में वर्ल्ड कप हो रहा है।
बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग, टेप बॉल के प्लेयरों की बड़ी फैन फॉलोइंग है अभी नादिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पिच के हवाले से जरा सा बताएं आप, जाहिर है छक्के मारते हैं, ये पिच जो है सीमेंट की होती है, ट्रफ की होती है, क्या होता है? ट्रफ की विकेट भी होती है, अभी हार्ड बॉल ट्रैक जो होते हैं इस पे भी मैचेस वगैरह होते हैं और सीमेंट विकेट पे भी होते हैं। ज्यादा मजा वैसे मेरे ख्याल में सीमेंट पे ही आता है खेलने का। अच्छा सीमेंट पे आपको मतलब बॉल लग गई तो फिर मसला हो जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा, तो क्योंकि ये तो डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते। आती भी तेज है ना, बहुत ज्यादा आती भी तेज। हाँ। ऐसा वाकया तो कोई ना कोई हुआ होगा, बॉल लग गई हो। एक दो दफा लगी है, है? हाँ, तो आप तो मैच छोड़ के चले गए होंगे। नहीं बस मैच तो खेला था लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो गया था। हाँ, यार एक मुझे याद है इंटरनेशनल प्लेयर यूनुस खान को लगी थी, वो याद होगा शायद आपको, एक मैच में, और वो बाहर से ना वो फिजियो वो लेके आ रहा था स्प्रे, तो वो डांट रहा है मैं यहाँ पे कहा पूरी दुनिया देख रही है, ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, मैं स्प्रे कैसे लगाऊं यहाँ पे। सही, तो बड़ा मुश्किल होता है भाई, बड़ा मुश्किल होता है। इतने इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में भी, PSL होता है, उसकी इतनी फ्रेंचाइजेज है, तो आपसे किसी ने रब्ता किया कि आप हमारे साथ खेलें? और जाहिर है यहीं से आजकल तो PSL से ही प्लेयर। हाँ, PSL बहुत शॉर्ट वे है, मैं खेला हूँ लाहौर कलंदर की तरफ से, खेला एमिरेट्स कप खेला था, लेकिन वो जस्ट बहुत शॉर्ट सा चांस था हमारे पास ना। अच्छा। दो मैचेस खिलाए थे, उसमें परफॉर्म नहीं था हो सका, तो फिर आपको पता ही है पाकिस्तान में जब ऐसे नहीं करोगे तो आप लाइकिंग में नहीं हो तो आपको साइड पे कर देंगे। लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर अभी तक चल रहा है, फेवरेटिज्म। हाँ बिल्कुल, तो अभी पाकिस्तानी टीम मेरिट पे है, फेवरेटिज्म पे? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम मेरिट पे नहीं है। नहीं है? नहीं है। मसलन कौन सा प्लेयर आपको लगता है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में शुएब मलिक टीम में होना चाहिए था, टीम में होना चाहिए, उसके बाद सरफराज टीम में होना चाहिए था। अभी जो कंडीशन है मेरे ख्याल में, आप हारिस कैसे, दो ग्लव्स वाले कैसे टीम में हो? नहीं देखे ना, अभी हारिस को आप चांस दे रहे हो, अभी यंग लड़का, मेरे ख्याल में शायद उनकी थिंकिंग मेरे से अच्छी हो, लेकिन सरफराज किसकी जगह पे बनता है मुझे आप वो तो बताएं। अभी रिजवान नहीं ना खेल रहा, हारिस को चांस दे रहे हैं, तो आप सरफराज को चांस दें ना, जो सीनियर प्लेयर है, या वर्ल्ड कप में आप सीनियर प्लेयर साथ लेके जाएं, आप यंग लड़कों को लेके जाएंगे उधर जाकर परफॉर्म नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में आप उनके कैरियर से खेल रहे हो मेरे ख्याल में। अच्छा। बाकी उनकी अपनी थिंकिंग है भाई। अच्छा, तो आपको लगता है मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक का होना बहुत जरूरी था? मतलब आपको लगता है कि शुएब मलिक अपने लिए नहीं खेलते? नहीं, मेरे ख्याल में टीम को जरूरत थी उनकी, अभी टीम को जरूरत थी, जरूरत थी। तो आप शुएब मलिक किसकी रिप्लेसमेंट को देख रहे, देखते हुए मिड ऑर्डर में देखें आगे अपने नाम इफ्तिखार की जगह मेरे ख्याल में होना चाहिए उनको। इफ्तिखार चाचा सही नहीं है? इफ्तिखार की जगह होना चाहिए उनको, शुएब मलिक को होना चाहिए। शुएब मलिक होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो खैर बड़ी बैलेंस टीम है, और शुएब मलिक को बिल्कुल रिप्लेसमेंट मतलब बिठाना चाहिए, और बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, आपकी गधी आगे हमारा घोड़ा पीछे, पर आपकी बात को हम लबाइक कहेंगे। तैमूर साहब मुझे ये तो बताएं, ये फीमेल जो क्रिकेट टीम है उसमें आपको कौन सा मतलब लाइक कौन सी फेवरेट प्लेयर है आपकी? मैं किसी को नहीं जानता, कभी मैच नहीं देखा फीमेल क्रिकेट टीम का, उनका मैच नहीं देखा कभी। यार मैं आपको बता देता हूँ, सना मीर है, ठीक है। क्या हुआ वो देखे, ये आपकी हंसी बता रही है, ये हंसी बता रही है। सना मीर को जानते हैं आप? हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर आप ही आप बोल रहे हैं मैच नहीं देखा, लेकिन वैसे कभी न्यूज वगैरह में या कहीं पोस्ट वगैरह आ गए। कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं क्या मतलब? कैसे से मुराद कैसी जाहिर है कि आप? मैंने उसकी कभी गेम देखी नहीं, मैं क्या कमेंट्स दूं उसके बारे में कि वो कैसी प्लेयर है, क्या चीज है वो? तो आपको मतलब लाइक अभी आप कमेंट नहीं दे सकते? नहीं मैं कमेंट, मैंने जब देखा ही नहीं है तो फिर क्या कमेंट दूं। लेकिन बजाहिर कैसा लगता है? बजाहिर ठीक है, ठीक है। हाँ सही, अच्छी। हाँ जी, शादी की भी आपने? हाँ शादी मेरी हुई। माशाल्लाह कितने बच्चे? दो बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटा? एक बेटी एक बेटा, बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है, क्या एज है उसकी? एज होगी 4 ईयर। अच्छा, हाँ 2 ईयर का बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस वजह से भाभी की वजह से तो नहीं डर रहे? नहीं नहीं, क्या डरना है यार, घर पे देखेगी यहाँ तारीफे करते फिर रहे हैं, बड़ी अच्छी है वो, बड़ी अच्छी है, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। नहीं सीन कोई ऐसा। वहाँ पे बैटिंग भाभी करती है घर में? यहाँ तो ग्राउंड में तो आप करते हैं? नहीं उधर भी मैं ही करता हूँ। अच्छा उधर भी आप ही करते हैं? खैर लंबी लंबी फेंक रहे हैं मेरे को लग रहा है, वहाँ जाके
बर्तन वर्तन भी धोते बाद में कर लेंगे, अभी इधर तो कोरोना यार है ना। ये बात तो है। अच्छा कौन सा ऐसा प्लेयर है तैमूर जिससे आपकी मतलब आप हटती है यार, ये नहीं यार ये बिना वजह का ना, ये एरोगेंट है, ये नखरे करता है और ये है वो है, नहीं स्लैजिंग हो जाती है किसी से भी नहीं ऐसा स्लैजिंग नहीं करता नहीं, कोई कोई चक्कर नहीं किसी के साथ। अच्छा हाँ, ये नहीं है जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो गालियां देते तेरी तेरी नहीं नहीं है, मैं कोई बाउंसर मार रहा है कुत्ते का, ये 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 है सर टेप बॉल वाले ने यहाँ मार दिया, अबे यहाँ क्यों मारी है तेरी माँ की, ये है नहीं नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, शुरू शुरू में था वैसे होते हैं बंदे, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बंदा नहीं है, है? उसको पता है एक में करूंगा तो फिर आगे पांच में फंस जाऊंगा। माशाल्लाह ये टेप बॉल आपका ब्रेड एंड बटर है, यही माशाल्लाह घर का सोर्स ऑफ इनकम की वजह यही है। हाँ, यही। तो इससे आपने कितने कोई प्रॉपर्टी वगैरह क्या क्या बना ली बताए? टेप बॉल से अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें बनाई है, गाड़ी ली है, घर बनाया, अपना डेरा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी कौन सी ली है? मैंने अल्टस ली है। माशाल्लाह अच्छा, ये टेप बॉल से घर भी बनाया? हाँ घर भी बनाया। आज के दौर में घर मैं कह रहा हूँ कवर बनाना मुश्किल है, घर तो दूर की बात। सही बात, अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का करम है हम पे बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्योंकि ये एक रियलिटी है कराची में, तो 100 में से मेरा ख्याल है 95-96 लोग ऐसे हैं जिनके अपने घर नहीं है, रेंटल है, और जो 5-4 लोग हैं उनमें से 2-4 पहले से जिनके बाप दादाओं ने बनाए हुए, कोई 1-2 हैं जिनके छक्के लगे वो बने, क्योंकि आज के दौर में घर तो कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। बिल्कुल समझ रहे हैं ना, ऐसा ही है, ऐसा ही पंजाब में भी यही है, ऐसा ही है। ज्यादा क्रिकेट का एंजॉय करते हैं पंजाब या सिंध? इवेंट के हिसाब से होता है, मुख्तलिफ इवेंट होते हैं, 2-3 बड़े इवेंट कराची में होते हैं, इधर आके बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा हाँ जी, खुर्रम मजीद भाई करवाते हैं, पहले आपसे थोड़ा डिस्कस हुआ था, इधर कराची में करवाते हैं सालाना, वो अभी 3rd एडिशन है उसका, वो खेलने आते हैं। वैसे ज्यादा क्रिकेट जो मजे वाली है वो पंजाब की है, क्योंकि उधर ज्यादा इवेंट होते हैं, इधर बहुत सिलेक्टेड से इवेंट होते हैं। ऑडियंस कहाँ की मजे की है जो देखने आती है? ऑडियंस हर अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर जगह जिधर भी जाएंगे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। अब तो माशाल्लाह इतने आप फेमस हो गए हैं कि किसी ग्राउंड में अगर आप आ रहे हो तो उस ग्राउंड के शाहिद अफरीदी तो आप ही हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग फिर जमा हो जाते हैं कि यार आज हम तैमूर मिर्जा को उड़ते हुए देखेंगे। जी जी, बल्ला बल्ला लेके छक्का मार के उड़ गया बॉल के साथ रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआ है तैमूर, अल्लाह ताला आपको आपकी फील्ड में मजीद कामयाबी अता फरमाए, और अगर पीसीबी, हमें नहीं पता क्या क्राइटेरिया है वहाँ जाने का, लेकिन अगर पीसीबी के कोई भी आला हुकाम सुन रहे हैं तो तैमूर मिर्जा इज़ अवेलेबल फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो एटलीस्ट इन्हें कैंप में लिया जाए और इनकी खिदमत, जाहिर है इनकी एक सर्विसेज, इनका टैलेंट पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, अगरचे ये पूरे फिट हैं और पाकिस्तान को सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी सर्विसेज लेनी चाहिए। दिल की गहराइयों से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, थैंक यू, और इंशाल्लाह किसी टाइम पे अगर कमेंटेटर की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, हम कमेंट्री बड़ी अच्छी करेंगे, समझ रहे? अब ये देखिए, मैंने एकदम कमेंट्री की, मैंने कहा बहुत आला शॉट पर वो प्लेयर ने, रात नाइट मैच था सुबह सुबह, बहुत आला चौका हलवा पूरी की जाने, अब ये मैंने कर दिया, मैंने कहा यार ये याद खेल गया हलवा पूरी खाएगी खेल तो लोग बड़े हंस रहे थे। तो कॉमेंट्री वगैरह भी मैं समझता हूँ कि मज़ेदार हो तो मैच क्या ख्याल है, और अच्छा हो जाता है ना, वो ज्यादा ऐसी कॉमेडी होती है ना कॉमेडी में, अक्सर होती है, अक्सर होती है ना, अक्सर ग्राउंडों में, टेबल के ग्राउंडों में अक्सर होती हैं ये। मैं समझता हूँ पॉडकास्ट का इख्तिताम फिर किया जाए, है जी, छक्का मारा जाए, मारा जाए या छक्का मार दिया आपने, छक्के मारे हैं काफी, अभी एक और मार देते हैं, एक और मार, नहीं नहीं वो भी हमारी हमारी एक वो है, अपना कॉम है, उसको नहीं मारा जाए, जाहिर है छक्का छक्का एक हमारी एक हमारा ख्वाजा सरा, देखिए हमारे सलाम है, उनको मारो नहीं, ठीक है, आप बोले 6 मारा मैंने, सिक्स मारा छक्का नहीं बोले, ओके। तो बस इसका बात, तीनों हजरात इस पॉडकास्ट को अपना पॉडकास्ट को आउट करते हैं यहीं पे, ठीक है। तैमूर मिर्जा भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और इंशाल्लाह फिर कहीं मुलाकात होगी, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह। इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे, मुझे और तैमूर मिर्जा को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।